हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया, वेरी गुड। एक बार फिर हम हाजिर हैं इकोनॉमिक्स के कुछ चुने हुए सवालों के साथ। ये सभी सवाल अलग अलग यूनिट से लिए गए हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी अपनी जानकारी को जांचिए और देखिए कि कौन सा यूनिट आपका सही है, बढ़िया से तैयार है, और कौन सा यूनिट वीक है। यदि कोई टॉपिक आप लोगों को सही से समझ में नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे आपको अपने तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला क्वेश्चन, श्रम की मांग किस तथ्य पर आधारित होती है? ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी अपूर्ण प्रतियोगिता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। श्रम की मांग किस तथ्य पर आधारित होती है? इसका सही आंसर होगा कीमत। श्रम की मांग कीमत पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। सकल घरेलू उत्पाद का नीचे भिन्न क्षेत्र दिए गए हैं, उनके योगदानों के अनुसार उनको घटते क्रम में सजाइए। पहला ऑप्शन सेवा, उद्योग, कृषि। दूसरा ऑप्शन सेवा, कृषि, उद्योग। तीसरा ऑप्शन उद्योग, सेवा, कृषि एंड चौथा ऑप्शन उद्योग, कृषि, सेवा। सेवा यानी सर्विस सेक्टर, उद्योग यानी इंडस्ट्री, कृषि माने एग्रीकल्चर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सेवा, उद्योग एंड कृषि। सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री सेक्टर एंड उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। किन्स के अनुसार अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत दक्षता ऑप्शन ए शून्य हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है एंड ऑप्शन डी घटती है। किसके अनुसार? कीन्स के अनुसार। अधिक पूंजी निवेश होने पर, इन्वेस्टमेंट होने पर पूंजी की सीमांत दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर होगा घटती है। किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा होती है तो उसकी सीमांत दक्षता घटती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र किस आकृति का होता है? ऑप्शन ए एल आकृति का, ऑप्शन बी यू आकृति का, ऑप्शन सी उल्टा एल आकृति का एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन से सिद्धांत के अनुसार? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट कर्व। लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट कर्व, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की आकृति कैसी होती है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार? सही आंसर होगा एल आकृति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। इनमें से कौन निवेश का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरित निवेश, ऑप्शन बी स्वायत्त निवेश, ऑप्शन सी निजी निवेश एंड ऑप्शन डी पूंजी निवेश। इनमें से कौन निवेश का प्रकार नहीं है? सही आंसर होगा पूंजी निवेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन बी विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, ऑप्शन सी वे मुद्राएं जो अभी भी स्वर्ण मान पर हैं एंड ऑप्शन डी घाटा प्रबंधन। स्वर्ण, पत्र स्वर्ण, एस डी आर, एस डी आर किससे जुड़ा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। आसियान
इसके लिए है। ऑप्शन ए अकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। आसियान किसके लिए है? सही आंसर होगा सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए नरसिंहम समिति, ऑप्शन बी आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति एंड ऑप्शन डी तारापुर समिति। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही आंसर होगा तारापुर समिति, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य हो जाते हैं, मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाते हैं? ऑप्शन ए विदेशी अर्थव्यवस्था में समान, ऑप्शन बी देशीय अर्थव्यवस्था में एक समान, ऑप्शन सी सर्वत्र एक समान एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड में प्राइसेस सब जगह एक समान हो जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। मौद्रिक नीति, कर की दर, व्यापार नीति, मार्जिन मनी, साख नीति, आयात निर्यात, राजकोषीय नीति, बैंक दर, ए बी सी डी एंड 1 2 3 4। मौद्रिक नीति को किससे मिलाएंगे? मौद्रिक नीति किससे जुड़ा हुआ है? मौद्रिक नीति बैंक दर से जुड़ा है। फिर व्यापार नीति, व्यापार नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात। साख नीति, साख नीति मार्जिन मनी एंड राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति कर की दर। ए को हमने 4 से मिलाया, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 1 से, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।